सकती है उसका मतलब क्या होता है? शादी का गाना ऐसे होता है, उनका अच्छा, जो बड़ा मामा है, अच्छा, वो बड़ा मामा बनने को कपड़े पहनाएंगे, अच्छा अच्छा, अंगूठी लगाएंगे, अच्छा, उसका गाना लगाना पड़ता है, अच्छा, शादी का गाना होता है। पाग लगा रहे हैं ना? पाग लगाएंगे। हाँ हाँ, लड़का पापा लगाएगा, पापा का गाना लगाएंगे, माँ लगाती है, उनका निशुरी पगुरी शेर बोलते हैं। अच्छा हाँ। जी हाँ दोस्तों, अब लगाया जा रहा है पाग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राम राम, झूले सलाम, आप सभी का मैं फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो गाइज, आज भी मैं बिल्कुल मतलब किनौरी ड्रेस पहन के ना, आप सभी को पता ही लग गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ शादी में, ठीक है। आज फिर से मैं एक शादी में जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मम्मी बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज हम कहाँ जा रहे हैं शादी में? किसकी? कांचे जा रहे हैं, भांजे की लड़की की शादी में। हाँ, जो मम्मी के हाँ, जो मम्मी का सका भांजा है ना, सका भांजे है ना हमारे, यानी कि हमारे भैया, उनके लड़के की शादी है, ठीक है। तो उनकी शादी हो रही है, उनकी शादी, उनकी लाड़ी कहाँ से ला रहे हैं? उनके लड़के की? अच्छा, मतलब कि उनके, उनकी जो लाड़ी है ना, वो ला रहे हैं निचार से, ठीक है दोस्तों। तो मम्मी तो कल आएंगे, हम जा रहे हैं अभी भैया, भाभी और मैं और बुआ और मामा। वो आगे पहुँच चुके हैं पार्किंग में, ठीक है, गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, और मुझे फटाफट जाना पड़ेगा, ठीक है। आप तो कल आओगे ना मम्मी? मम्मी आएंगे कल वेल्डिंग के दिन, वेल्डिंग के दिन जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं भी चलता हूँ, तो फटाफट चलते हैं और फटाफट व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो मैंने आपको बुशहरी शादी दिखा दी, ठीक है, सरान बुशहरी की शादी दिखा दी। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा किन्नौर की ओर, ठीक है। अब फिर से किन्नौरी शादी दिखाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। जी हाँ गाइज, मैं अब चल चुका हूँ। बाकी आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, ठीक है, बुशहरी शादी में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को अच्छा लगा कि आपने इतना मुझे सपोर्ट करा। तो मुझे लगता है कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे। चलिए दोस्तों, मैं गड्डी के पास पहुंच चुका हूं, यहां पे भाभी जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देखिए कैसे, बता देना कमेंट बॉक्स में भाभी जी कैसे लग रहे हैं। और यहां है हमारी बुआ जी, गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग। और ठीक हो? कहां जा रहे हैं वैसे? शादी। शादी कहां? कांचे। कांचे चलें फिर? चलें। मामू जी गुड मॉर्निंग। और ठीक हो? चलें फिर? चलें। ठीक है। सो गाइज, अब हम चलते हैं, गड्डी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब चल पड़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। करें फोटो क्लिक? यस। ठीक है पापा जी, बाय। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ है यहाँ पे बेबो। बेबो अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, सबसे पहले करिए, स्टार्ट करिए अपना इंट्रोडक्शन, बोलो हाय। और आपका नाम क्या है? वेदांत। वेदांत, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में। तो स्कूल जाके कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा क्यों लगता है? जल्दी जल्दी। सच्ची? क्या सीखने? ओके। आज कहाँ जा रहे फिर हम? शादी में। शादी में डांस करेंगे आप? पता नहीं। चल पड़े अब बैग में। नहीं नहीं नहीं, जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता दुर्गा के टेंपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माथा टेकेंगे, टीका लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे, फिर अपने सफर को शुरू करेंगे। टीका भी लगा दिया है, तो चलते हैं वापस। आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है माता जी का। दोस्तों आगे दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल घर बिल्कुल डेकोरेट हुआ है सामने, यहीं पे शादी है, ठीक है, यहीं जाएंगे हम। तो यहाँ बोलते हैं कांचे, कांचे गांव। तो गाइस, अब हम रोड से चल पड़े हैं जहाँ पे शादी है। तो मैं दिखाती हूँ, मैं हूँ लास्ट में, बाकी सारे आगे निकल चुके हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, और साथ में देखते हैं यहाँ पे किन्नौर की शादी कैसी होती है। शादी के बाद में फर्स्ट टाइम किन्नौर की शादी अटेंड कर रही हूँ।
ये लोग रोड से ऊपर चढ़ना पड़ता है, चढ़ाइए थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, वो घर वहाँ है। बुआ थके इधर मेरे पास बुआ थक गए हाँ दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, ठीक है अब हमारा यहाँ पे स्वागत होगा। जी हाँ दोस्तों हो रहा है स्वागत यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे मामाओं का स्वागत होगा, देन हम हमारा स्वागत होगा, हम बूढ़े मामलों का स्वागत होगा, ठीक है तो बने रहना इस ब्लॉग के साथ, पूरी किन्नौरी शादी दिखाएंगे आपको, ठीक है जिसकी शादी है यहाँ पे उनको भी दिखाऊंगा, जिसकी शादी हो रही है उनको भी दिखाऊंगा। हमारे दूल्हे राजा और ये दूल्हे राजा के बड़े भाई, बिल्कुल बड़े भाई, बने रहो शादी दिखाएंगे आपको किन्नौरी शादी, ठीक है दोस्तों। लाड़े ऐसे मुस्कुरा रहे, ऐसे ही मुस्कुराना, इस प्रकार से दोस्तों स्वागत होता है। यहाँ दोस्तों ये हमारे भैया, ठीक है स्वागत हो चुका है, ठीक है जो आगे लाड़ा दिखाया था ना मेरे उनके पापा जी है, ठीक है तो अब करेंगे हम शादी में एंजॉय, सारा कल्चर दिखाएंगे किन्नौरी शादी का। अब आप बाकी बढ़िया मस्त, जी हाँ दोस्तों अब करते हैं लंच, ठीक है तो लंच का प्रबंध भी यहाँ बड़े अच्छे तरीके से किया गया है, सारा कुछ बताऊँ जी हाँ दोस्तों। फिलहाल तो अभी यहाँ पे धूप के मज़े लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमें धूप मिल रही है ना ये तो वहाँ भाई वाह जन्नत के समान है, ठीक है तो धूप के मज़े लेंगे उसके बाद। जी हाँ दोस्तों उसके बाद दूल्हे को सजाया जाएगा ना, जब सजाएंगे ना वो सारा दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे ये जो टेंट लगा हुआ है ये दीपक टेंट हाउस है, बार बार मैंने आपको दीपक टेंट हाउस दिखाया था, निगुलसरी में भी दिखाया था और मेरे घर में भी दिखाया था। हाँ तो दीपक टेंट हाउस का यहाँ पर पूरा टेंट लगाया है, म्यूज़िक लगाया और सिंगर भी उसी के ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि लाड़े को कैसे सजाया जाता है, किन्नौरी दूल्हे को कैसे सजाया जाता है, सारा दिखाएंगे एंड तक बने रहना। अभी लाड़े को सजाया जा रहा है ना? नहीं नहीं क्या? लाड़े को सजाया जा रहा है ना? ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो अभी तक आपने यहाँ पे गीत सुना, ठीक है तो जो एक गीत गा रहे थे, तो जो लाड़े को सजाया जाता है ना तो उस वक्त ऐसा गीत गाया जाता है, काफी खूबसूरत गाना गा रहे थे,
उसका मतलब क्या होता है उस गीत का? शादी का गाना ऐसे होता है, उनका अच्छा। जो बड़ा मामा है अच्छा, तो बड़ा मामा बंजे को कपड़े पहनाएंगे अच्छा अच्छा, अंगूठी लगाएंगे अच्छा, उसका गाना लगाना पड़ता है अच्छा, मामा का गाना लगाना का गाना ये शादी का होता है, शादी का गाना होता है। मतलब बिना गाने के मतलब दूल्हे को सजाया नहीं जाएगा? नहीं, ये शादी है कि नहीं है पता ही नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, ये गाना जरूरी मावले का मामा का गाना लगाना पड़ता है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना जगह पाग इसका गाना लगाएंगे हम। अच्छा, अब पाग लगा रहे हैं? पाग लगाएंगे। हाँ हाँ, लड़का पापा लगाएगा, पापा का गाना लगाएंगे, मावली लगाती है, उनका निशुरी पगुरी शेराई बोलते हैं। अच्छा, सब लोग पगुरी बांधते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, उसको ऐसे गाना लगाना पड़ता है। ओके, जी हाँ दोस्तों, अब लगाया जा रहा है पाग। तो आप पहनाई जा रही है माला, ठीक है? सबसे पहले मामा लोग मालाएं पहनाएंगे, ठीक है? तो ये सब देखते रहो एंड तक। जी हाँ दोस्तों, बारात जाने से पहले ना जितने भी गांव के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी दूल्हे और कुनेस को और दूल्हे के भाई को ना मालाएं पहनाते हैं, ठीक है? ऐसा चलते रहता है जब तक सारे रिश्तेदार मालाएं नहीं पहनाएंगे, चलता रहेगा। फिर जाके दुल्हन को लेने बारात निकल पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेडिंग व्लॉग को देख तो रहे होंगे, बट आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अब फटाफट मालाएं पहना जा रही है, फिर उसके बाद बारात चल पड़ेगी, ठीक है? तो बने रहने इस ब्लॉग के साथ, कहीं जाना मत। जी हाँ दोस्तों, ये है दूल्हे के मम्मी जी, दूल्हे के मम्मी और साथ में दूल्हे के बड़े भाई।